लगभग आधा घंटे का वक्त अब तक बीत चुका है इस मुलाकात को शुरू हुए, और जैसा कि आप कह रहे थे ये मीटिंग लंबी चल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 1:05 के आसपास अशोक गहलोत 10 जनपद में घुसे हैं और लगभग 1:35 होने जा रहा है, तो आधा घंटा आप सही कह रहे हैं, आधा घंटा की मुलाकात ये हो चुकी है। दो बातें हैं, एक बात यह है कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया, और इस्तीफा देने से क्यों मना किया है, उनका कहना था और उनके विधायकों का, उनके समर्थकों का बार बार कहना है कि अगर अशोक गहलोत इस्तीफा देते हैं, पहला चीज़ तो यह कि इस्तीफा दें 19 तारीख के बाद, अभी इस्तीफा नहीं दें, जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाए, वो अध्यक्ष इलेक्ट हो जाए तब इस्तीफा दें और उसके बाद नया मुख्यमंत्री हो, पहली ही बात यह है। दूसरी उसमें बात यह है कि अगर कोई अध्यक्ष दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनना है तो 102 लोग जो अशोक गहलोत के साथ खड़े थे जब बेड़ाबंदी हो रही थी, जब सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं बगावत की थी, उस वक्त जब 102 लोग खड़े थे उसमें से किसी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया जाए, तो क्या फॉर्मूला निकलता है, क्या इन दोनों बात पर चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। कमान मानता है कि नहीं मानता, देखिए अध्यक्ष बनने के लिए अशोक गहलोत तैयार भी थे और वो ये बात भी कह रहे थे कि मुझे न तो अध्यक्ष बनना है न मुख्यमंत्री रहना है, बट उनकी सबसे बड़ी शर्त, मैं कह रहा हूँ बार बार, उनकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, ये किसी भी हाथ में वो नहीं चाहते हैं। अब ये बात आला कमान क्या उनको इस बात पर मना लेगा, इस पर वो कन्विंस हो जाते हैं क्या, वो कन्विंस करने के बजाय कन्विंस हो जाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन ये तय है कि अशोक गहलोत इससे समझौता करना नहीं चाहते हैं और यही बात अड़ी हुई है, सचिन पायलट को लेकर बात अड़ी हुई है, अदरवाइज वो अध्यक्ष के लिए उनकी बात क्लियर थी और उनका कोई मुख्यमंत्री बन जाता, कोई भी मुख्यमंत्री उनका या पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाती बन जाता, अशोक गहलोत को कोई एतराज नहीं है। जी जी, रवि आप बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं कि अशोक गहलोत के समर्थकों का क्या कहना है। और हमारे जो भी लीडर हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, जो भी हमारे लीडर है, प्रियंका जी, हम उन सबके समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी एक है, कोई झगड़ा कोई किसी तरह का नहीं, जो मीडिया दिखा रही है ऐसा कुछ नहीं है, परिवार का मामला है, परिवार तक सीमित। हम राहुल गांधी को अध्यक्ष देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को। और राजस्थान कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने बात की, आपको वो बातचीत भी दिखाते हैं। राजस्थान कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी जी, सुरेश जी आप सचिन पायलट जी से मिलने आए थे, क्या बातें हुई, क्या? नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, हम लोग दिल्ली आए थे तो मिलने आ गए थे। आप लोग तीन विधायक यहाँ आए हैं और जिस तरह से घटनाक्रम अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री को लेकर विवाद बना हुआ है, बवाल मचा हुआ है, अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, पर्चा नहीं भरा जा रहा है अशोक गहलोत का, आप सचिन पायलट से मिलने आए हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं? देखिए फैसला हाईकमान के पास है, कांग्रेस की परिपाटी रही है कि फैसले दिल्ली से होते हैं, हाईकमान जो भी चाहेगा पार्टी के हित में, देश के हित में, जनता के हित में वो फैसला करेगा। लेकिन अशोक गहलोत तो अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट CM ना बने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये सब मीडिया का क्रिएटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा है कि जो भी फैसला करना हाईकमान को करना है, वो सर्वमान्य होगा, सब मानेंगे उसको। आप विधायक चाहते हैं कि वहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राजस्थान से दो दो चेहरा हों? देखिए ये फैसला हाईकमान का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हमारी राय से या हमारे चाहने से नहीं चाहने से नहीं बनता, पार्टी के हित में क्या है, देश के हित में क्या है, ये फैसला हमसे बेहतर समझते हैं हाईकमान और वही फैसला करें। सचिन पायलट जी क्या बोले, क्या चाहते हैं वो? दिल्ली में है, दो दिन से डेरा डाले हुए हैं। नहीं दिल्ली तो हमेशा से ही रहते हैं, आए हैं सचिन पायलट जी, कोई ऐसा नहीं है कि भैया आज ही दिल्ली आए, हमेशा रहते हैं। लेकिन आखिरी सवाल रहेगा सुरेश जी, जिस तरह से विवाद वहाँ हो रहा है उससे नहीं लग रहा कि पार्टी की जो नेतृत्व है, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हैं, उनकी छवि पर भी असर पड़ रहा है जिस तरह से विवाद हुआ है? देखिए जो तरीका उन्होंने अपनाया था निश्चित तौर पर वो तरीका जो है वो गलत था, उनको अपनी बात कहनी थी, हाईकमान उनकी बात सुनने को तैयार था, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो गए थे वो 1-to-1 एक एक करके सबकी बात सुनना चाह रहे थे, वो मना थोड़ी कर रहे थे कि बात नहीं सुनेंगे। तो फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई उनको एक एक करके बात कहने में क्या दिक्कत थी, जो बात वो सामूहिक रूप से कहना चाह रहे थे। विवाद तो तब होता है जब आप कोई बात कहना चाहते हो और मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, तब विवाद की स्थिति होती है, वो सुनना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, तो फिर विवाद किस बात का था? कह रहे हैं कि इस पूरे पर्दे के पीछे अशोक गहलोत स्वयं थे।
अब ये इसकी जानकारी मुझे की भी छवि इसकी जानकारी मुझे अशोक गहलोत को भी छवि खराब हो रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। छवि तो पार्टी की सारी की खराब होती है, इसमें जब विवाद किसी बात का होता है प्रेस में आता है तो सबकी छवि खराब होती है। इसका निदान नहीं लग रहा कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, आपको लगता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी अध्यक्ष बने। हाँ, पूरी जनता चाहती है। रविंद कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और जी मीडिया संवाददाता विशाल भी 10 जनपद से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, हमने देखा किस तरीके से समर्थकों में इस मीटिंग को लेकर एक उत्साह भी है और समर्थक भी ये जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग से क्या बातें निकल कर सामने आती हैं, इस वक्त 10 जनपद पर क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त 10 जनपद पर पिछले 40 मिनट से लगातार अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात जारी है। केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। एक बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने शायद कोई फार्मूला तैयार किया होगा। अब ये फार्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि क्या अशोक गहलोत की दोनों शर्तें यहाँ पर सोनिया गांधी मान लेंगी या फिर अशोक गहलोत सोनिया गांधी की शर्तें मानेंगे? क्योंकि सोनिया गांधी या कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया कि पहले मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत इस्तीफा दे दें और अध्यक्ष पद का नामांकन करें, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थकों का यह भी मानना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाद में फिर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन ही जाएं, क्योंकि अगर एक बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में आज दिग्विजय सिंह ने भी नामांकन पत्र लिया है, शशि थरूर ने भी नामांकन पत्र लिया है, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के पद पर किसी और का भी चयन हो सकता है और अशोक गहलोत के हाथ शायद कुछ भी ना लगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर अशोक गहलोत की दोनों शर्तें यहां पर कांग्रेस की तरफ से मानी जाती हैं, पहली ये कि सचिन पायलट की जगह कोई और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा और वो अध्यक्ष पद के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठेगा कि सचिन पायलट फिर क्या करेंगे, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के पास क्या फार्मूला बचेगा, क्योंकि सचिन पायलट जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा नाराज होंगे। इससे पहले भी राजस्थान में जो सियासी बगावत थी कांग्रेस के अंदर वो भी देखी जा चुकी थी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की। अगर अशोक गहलोत की शर्तें यहां पर सोनिया गांधी मान लेती हैं तो सचिन पायलट का नाराज होना स्वाभाविक होगा। तो देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या फिर अशोक गहलोत के पक्ष में रास्ता जाता है या फिर सचिन पायलट के लिए भी कुछ राहत की उम्मीद इस मीटिंग से निकलती है। इसलिए जब यह मीटिंग खत्म होगी अदिति, उसके बाद ही सियासी पिक्चर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। जी विशाल, बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच राजस्थान कांग्रेस के विधायक हरीश मीना से भी जी न्यूज ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है आपको वो सुनाते हैं। राजस्थान कांग्रेस विधायक हरीश मीना, मीना जी, सचिन पायलट से मुलाकात की आपने, क्या उनको ये मनाने के लिए आए हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की जीत छोड़ दे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उनको मिलने आया था शिष्टाचार के नाते, दिल्ली आया हुआ था किसी निजी काम से। जब मैंने पता लगाया कि वो दिल्ली में हैं, वो दिल्ली आ जाते हैं, अक्सर रहते हैं, उनका आवास है यहाँ, तो मुझे पता लगा दिल्ली में है, कोई 5 मिनट मिल चले, तो शिष्टाचार के नाते उनसे मिलने आया था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद ही दाव पर लग गया है राजस्थान में विधायकों के कारण से, आप भी विधायक वहाँ पर हैं, क्या आप लगता है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं जिसका ऑफर किया गया है, जिसकी बातें हो रही, तो सचिन पायलट वहाँ सीएम बन जाए, विवाद खत्म? मैं इसका कुछ भी, मैं इसके मुझे इस बारे में पता नहीं है, पहली बार का विधायक हूं, कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए, पर मैं ये जरूर बता सकता। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।